हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसमें जितनी भी एक्सरसाइज दी है उनको आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है अब करने की बारी। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के हाथ लगाओ। हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा? आपस में बातें करो। ठीक है, बोलते बगीचे में जाओ और वहाँ पे आपको पत्ते दिखाई देंगे। उनके उनको क्या करो, आप उनको टच करना है हैंड से। ठीक है, अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियाँ इकट्ठा करो। इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया, देखो ये मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हाथ से पत्तियाँ बनाई गई है। आपने क्या करना है, अपने बगीचे से कुछ पत्तियाँ तोड़नी है जो आपको पसंद है, वो यहाँ इस स्पेस पे वो क्या करनी है, आपने चिपकानी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पत्ते का पटाखा। अब पत्ते का पटाखा कैसे बनता है? ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, सामान क्या क्या चाहिए इसको? बोलते एक पत्ता चाहिए, और फिर नीचे दिया यहाँ पे देखो एक पत्ता चाहिए। फिर बोलते बनाने का तरीका कैसा है। एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो, जैसे यहाँ पे बताया हुआ ऐसे रखना है मुट्ठी के ऊपर। ठीक है, फिर क्या बोला है, अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो। फिर दूसरे हाथ से क्या करना है, अपने इस पत्ते पर मारना है जहाँ पे पत्ता रखा है। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। सबने ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अपने हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर पत्ता रखना है और फिर दूसरे हाथ से उसके ऊपर मारना है। फिर देखना पटाखे जैसी आवाज आएगी कि नहीं। फिर जानो, बोलते पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब हाथ से वार करो, क्या पटाखे जैसी आवाज आई? अब यहाँ पे बोलते पत्ते में क्या करना है, आपने छेद करना है। फिर बोलते उसको क्या करना है, हाथ से वार करना है। तो बोलते इसमें पटाखे की आवाज आएगी, तो चेक करना है आपने आएगी कि नहीं आएगी, है ना? तो प्रैक्टिस करनी है इसकी, सबने प्रैक्टिकल करना है इसका। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे। बोलते बच्चों से बात करें, इस समय स्कूल में क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, है ना? स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां हैं, घर कैसे जा रहे हैं बच्चे? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे बस से घर जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे देखो साइकिल से घर जा रहे हैं, कुछ बच्चे रिक्शा से घर जा रहे हैं, कुछ स्कूटर के ऊपर जा रहे हैं, कुछ के मम्मी पापा आए हुए हैं लेने, है ना? तो सब क्या है, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, घर कैसे जाएं? बोलते घर कैसे जाएं, तो बोलते मैं डैश जाती हूँ। आप जो है स्कूल से घर कैसे जाते हैं, इस रिक्शा में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, कि पैदल जाते हैं, कि बस से जाते हैं? जो अगर पैदल जाते हैं तो पैदल लिखना है यहाँ पे, है ना? रिक्शा से जाते हैं तो रिक्शा लिखना है, साइकिल से जाते हैं तो साइकिल लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर टिक या क्रॉस का निशान लगाना है आपने। ठीक है, टिक का निशान, अगर रिक्शे पे कौन कौन बच्चा बैठा है, ठीक है, जो बैठा है उसने टिक करना है, जो नहीं बैठा है उसने क्रॉस करना है। ठीक है, बस में कौन कौन बैठा है, जैसे मैं बस में बैठी हूँ तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है ऐसे, है ना? अगर जो नहीं बैठा वो क्रॉस करेगा। रेलगाड़ी में कौन कौन बैठा है, जैसे मैं नहीं बैठी हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस यहाँ पे नहीं लगेगा, क्रॉस आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करना आपने, है ना? तो आगे क्या है, फिर बोलते बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पे कौन कौन बैठा है उसने भी टिक करना, जो नहीं बैठा वो उसने यहाँ पे क्रॉस करना है। साइकिल पे कौन कौन बैठा है उसने भी टिक करना है, जो बैठा है नहीं बैठा तो यहाँ क्रॉस करना है। ऊंट के ऊपर कौन कौन बैठा है उसने टिक करना है, अगर नहीं बैठे तो क्रॉस करना है। ठीक है, स्कूटर पे, तो जैसे स्कूटर पे बैठे यहाँ टिक करना है। भैंस पे कौन कौन बैठा है उसने भी ऐसे ही टिक और क्रॉस करना है। फिर बोलते हैं तुम कैसे जाते हो, दादी के घर कैसे जाते हो, पैदल जाते हो तो पैदल लिखना है। सिनेमा देखने कैसे जाते हो, तो यहाँ पे आपने बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, कौन सी ए से जाते हैं आप, है ना? साइकिल से जाते हैं तो वो लिखना है, बस से जाते हैं बस लिखना है। स्कूल कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं तो बस लिखना है।
और बाजार कैसे जाते, पैदल जाते, तो पैदल लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बताओ सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त? अब आपने देखो रेलगाड़ी का क्या लगता है, टिकट लगता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, टिकट लगता है तो यहाँ पे टिक करना है आपने। ठीक है, जैसे अगर रेलगाड़ी का टिकट लगता है ऐसे टिक करना है आपने, तो पैसा लगेगा नहीं, मुफ्त भी नहीं, है ना। भैंस पे मुफ्त पे टिक करना है, रिक्शा पे पैसा लगता है, साइकिल पर, साइकिल में क्या लगता है, मुफ्त जाते हैं, ऊँट के ऊपर भी पैसा लगता है, पैसे के पास टिक करना है, बैलगाड़ी में क्या लगता है, पैसा लगता है, टिकट नहीं लगता, बस में टिकट लगता है तो टिकट के टिक ऊपर टिक करना है, गोदी क्या होती है, मुफ्त होती है। ठीक है ना, इस तरह से सब बच्चों ने करना है इसको। फिर आगे क्या दिया है आपको, यहाँ देखो, बच्चों से बातचीत करें, यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में क्या क्या, तुम्हें क्या क्या देखने को मिलता है। देखो जब यहाँ से रास्ते से जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, एक औरत तो बाल्टी लेके आई हुई है, यहाँ पानी का हैंडपम्प है, ठीक है, यहाँ पे एक औरत देखो जो चिड़िया होती है, जो फसलों को खा जाती है उनको भगा रही है, यहाँ गठरी लाए हुए एक आदमी है, यहाँ पे भी औरत जो है फसल उठाए जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे एक इंसान फसल काट रहा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे डॉग है ना, यहाँ पे इंसान क्या ले जा रहा है, फावड़ा ले जा रहा है खेत की तरफ, है ना, यहाँ पे टावर है, झोंपड़ी है, इस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, ठीक है, नीचे और ऊपर क्या क्या उगता है, सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। यहाँ पे देखो मूली है, यहाँ पे आलू बना सकते हैं, गाजर बना सकते हैं आप, ठीक है, शलगम बना सकते हैं, उनकी पिक्चर आपने खुद बनानी है। यहाँ पे गन्ना दिया हुआ है, ये जो जमीन के ऊपर होता है, तो मक्की का पौधा भी ऊपर होता है, यहाँ पे आप पपीते का बना सकते हैं, टमाटर का बना सकते हैं, बैंगन का, है ना, जो भी जमीन से ऊपर होता है। यहाँ बोलते बुझो मेरा रंग, बोलते बैंगन किस रंग का होता है, तो बैंगन बैंगनी रंग का ही होता है ना, पर्पल। तो बोलते लाल रंग का क्या क्या होता है, टमाटर लाल होता है, गाजर लाल होता है, सेब लाल होता है, और हरा क्या क्या होता है, पालक हरा होता है, देखो धनिया, मेथी, है ना, आप खुद भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को, मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। तो बैंगनी क्या क्या होता है, बैंगन होता है, कमीज होता है, तितली होती है, पीला क्या क्या होता है, आम, हल्दी, नींबू पीला होता है, नीला क्या क्या होता है, आकाश, सागर, फूल नीले होते हैं ना, काला क्या क्या होता है, काला नमक, काली मिर्च और सिर के बाल, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लगाना है आपने ना, काली मिर्च बड़ी की मात्रा। तो अब आगे चलते हैं, आगे जो आपको हार्ट का खेल दिया गया, ये खेल है जिसमें पासे फेंके जाते हैं, इसको पासा कहते हैं, ठीक है, जो इसमें जो भी नंबर आएगा उस पे जो लिखा होगा यहाँ से शुरू होगा, तो अगर मान लो यहाँ पे 4 नंबर पे आए तो जाओ मिठाई खाओ, फिर आपने वही काम करना है। ठीक है, आप इसको खुद बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि बच्चों से बातचीत करें, पासा कैसे बनाएं, माचिस की 3 खाली डिब्बियों के को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें, उस पर रंगीन कागज चिपका कर 6 तक गिनती लिखो, पासा तैयार है। आप इस तरह का खेल आप खुद बना सकते हैं घर में, है ना, और अपने मम्मी पापा के साथ खेल सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज का लेसन के जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, ठीक है, तो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जिन्होंने इसका जो पाठ की समरी है वो नहीं देखी है, वो मेरी पिछली वीडियो पे जाके आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही थैंक यू, बाय बाय।